हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार अजय महाजन बिना रुके और बिना थके नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं और डोर टू डोर के जरिए प्रचार कर रहे हैं, जिसे देख विरोधी पक्ष चारों खाने चित हो रहा है। चुनावी दौर के चलते नूरपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की जीत की भारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इसी के चलते क्षेत्र में अजय महाजन की भारी लोकप्रियता को देखते हुए मंत्री पद मिलने की भी चर्चा बढ़ गई है। सुलियाली पंचायत में प्रेस के सवालों को संबोधित करते हुए अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत प्रदेश में निश्चित है। चुनावी प्रचार में तेजी के साथ साथ समर्थकों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई है। सुलियाली पंचायत में जय अजय तय अजय नारों के साथ समर्थन और जोश बढ़ाया। अजय महाजन ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पंचायत में डोर टू डोर प्रचार भी किया है। पहले तो मैं कहूँगा, 5 साल बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी तो तब कौन सी मदद करती। मेरे ख्याल जितनी बार यहाँ पे आए खाली हाथ आए उस सरकार को कुछ नहीं देखे पाए। तो ये अगला जो ये वैसे तो लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, इसमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। स्टेट्स का जो अपना हक होता है वो मिलेगा और मिलना चाहिए। एक सर्वे किया गया है, सर्वे के अनुसार जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, तो ऐसे में नूरपुर में हम जगह जगह देखा जा रहा है कि एक आवाज उठी है कि अजय महाजन जी को मंत्री बनाया जाए, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कुछ नहीं, ये तो जो भी हाईकमांड फैसला करते है वही होता है। हम तो ये कहेंगे, नूरपुर की जनता से अपील करेंगे कि वो विधानसभा में पहुंच जाए, हम उसी के साथ खुश है। बाकी जो भी निर्णय होता है हाईकमांड का होता है और किसी और के हाथ। सर्वे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो सर्वे आया है? ये बिल्कुल ठीक सर्वे आया है और मैंने पढ़ा तो नहीं है, और ये निस्संदेह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसका रास्ता कांगड़ा से होते जा रहा है और कांगड़ा में रिकॉर्ड MLA जीत के जाएंगे इस बार। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आपका पहला नूरपुर में क्या काम होगा? पहला जो काम होगा वो एक तो हॉस्पिटल को मैं ठीक करूंगा, दूसरा जो है स्वास्थ्य, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, शिक्षा और सड़कें उनको ठीक करूंगा। जो बेरोजगारी की लड़ाई है उसको मैं उसके अगेंस्ट लड़ूंगा, बेरोजगारों को रोजगार देने की के अलग अलग साधन उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा जो है ये जो गरीब आदमी है उसकी आवाज बुलंद करूंगा और उनको जहां भी मदद कर सकूं ये करूंगा, और खेतों में पानी और घरों में पानी दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। प्रचार का एक दिन रह गया है तो लोगों से क्या अपील है? लोगों से क्या अपील है, मैं कहूंगा आशीर्वाद, साथ सहयोग देना। ये आपका भाई जो है, अब अगर इसको आप जिता के भेजोगे ये आपकी सेवा में हमेशा उतारू है। जय अजय।